दोस्तों तो इग्नाइटेड माइंड्स में डॉक्टर कलाम ने कहा है, द ग्रेट माइंड्स ऑफ द कंट्री हैड द एबिलिटी टू ड्रॉ थाउजेंड्स टू जॉइन देम इन देयर एंडेवर्स एंड मेक ड्रीम्स अ रियलिटी फॉर देम द नेशन वाज मच बिगर देन देमसेल्व्स एंड दे कुड ड्रॉ अपॉन थाउजेंड्स टू एक्ट अपॉन दोज ड्रीम्स। दोस्तों तो कौन थे ये ग्रेट माइंड्स, ये ग्रेट टीचर्स, ये ग्रेट साइंटिस्ट्स जिन्होंने डॉक्टर कलाम को इंस्पायर किया, और उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या कहा जिससे डॉक्टर कलाम इतना इंस्पायर हुए, चलिए जानते हैं हम आज इस वीडियो में। तो डॉक्टर कलाम जब बीएससी के स्टूडेंट थे सेंट जोसेफ्स कॉलेज में, तब उनके मैथमेटिक्स के प्रोफेसर तोताद्री अय्यंगार एक बड़े इंस्पिरेशन थे। उनके लेक्चर्स और टीचिंग स्टाइल ने डॉक्टर कलाम को काफी प्रभावित किया। उन्हीं की एक लेक्चर को याद करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 1952 में उन्होंने एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड मैथमेटिशियंस पर एक लेक्चर दिया था, और उस लेक्चर में उनके प्रोफेसर्स जो लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं की झलक डॉक्टर कलाम को अपने प्रोफेसर तोताद्री अय्यंगार में दिखाई दिया। उस लेक्चर में उनके प्रोफेसर ने आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स पर चर्चा किया। तो कौन थे ये लोग? दोस्तों आर्यभट्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। आर्यभट्ट एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिस्कवर किया। पाई का वैल्यू भी उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया। उन्हीं के सम्मान में भारत का पहला सैटेलाइट को आर्यभट्ट नाम दिया गया। ब्रह्मगुप्त भी एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्री पर रिसर्च किया। उन्होंने ही हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला दिया। भास्कराचार्य ने डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कवर किया और उसे एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई भी किया। इन्हीं जैसे महान साइंटिस्ट्स के अकम्प्लिशमेंट्स को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इंडिया के एक और महान फिजिसिस्ट, उनको कोट करते हुए डॉक्टर कलाम इग्नाइटेड माइंड्स में कहते हैं कि 1920 से 1925 भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड था आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर के क्षेत्र में। उस टाइम इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जिसके कारण लोगों में कुछ कर दिखाने का हौसला था। वो चाहते थे कि उनकी आवाज, उनकी टैलेंट्स दुनिया तक पहुंचे। इसी कारण उस समय में जेसी बोस, सीवी रामन, मेघनाथ साहा, रविंद्रनाथ टैगोर और श्रीनिवास रामानुजम जैसे महान हस्तियों का नाम और उनका काम दुनिया तक पहुंचा। उसी समय में लगभग मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज स्वामी और श्यामा शास्त्री जैसे महान म्यूजिशियंस का भी एमर्जेंस हुआ। सीवी रामन को कोट करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं, आई वुड लाइक टू टेल द यंग मैन एंड वुमेन बिफोर मी नॉट टू लूज होप एंड करेज। सक्सेस कैन ओनली कम टू यू बाय करेजियस डिवोशन टू द टास्क लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। I can assert without fear of contradiction that the quality of the Indian mind is equal to the quality of any Teutonic, Nordic or Anglo-Saxon mind. What we lack is perhaps courage, what we lack is perhaps driving force which takes one anywhere. We have, I think, developed an inferiority complex. I think what is needed in India today is the destruction of that defeatist spirit. We need a spirit of victory, a spirit that will carry us to our rightful place under the sun, a spirit which can recognize that we as inheritors of a proud civilization are entitled to our rightful place on this planet. If that indomitable spirit were to arise, nothing can hold us from achieving our rightful destiny. Unke career mein bhi Dr. Kalam ko Dr. D.S. Kothari, डॉक्टर होमी बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे विजनरी साइंटिस्ट्स और लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला। ये तीन आगे जाकर डीआरडीओ,
DAE और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित किया। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो आज भी इतने प्रभावशाली हैं और हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, इनके साथ क्लोजली काम करके डॉक्टर कलाम को लीडरशिप और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला और इनसे ये बहुत इंस्पायर भी हुए। डॉक्टर कलाम हमारे देशवासियों से कहते हैं, विजन इग्नाइट्स द माइंड्स, इंडिया नीड्स विजनरीज ऑफ द स्टेचर ऑफ GRD टाटा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन टू नेम अ फ्यू हु कैन इन्वॉल्व एन एंटायर जनरेशन इन मिशन ड्रिवन प्रोग्राम्स विच बेनिफिट द एंटायर कंट्री एज अ होल। नमस्कार, धन्यवाद।